हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा आपका फिफ्थ पार्ट है. आज हमारा, आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शुरू किया था. पिछली क्लास में हमने सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ा था. थर्ड जनरेशन आधा पढ़ा दिया था, इनकम्प्लीट था. इसके आगे हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में. मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या यूज़ होने लगे थे, सर्किट्स यूज़ होने लगे थे. किसकी जगह पर? ट्रांजिस्टर की जगह पर. सबसे पहले हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, फिर ट्रांजिस्टर, और अब हमने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया है, सर्किट्स यूज़ करना शुरू कर दिया है. IBM 360 सीरीज़ कंप्यूटर इन दिस जनरेशन हैड प्रोविजन फॉर फैसिलिटेटिंग टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्राम ऑल्सो. IBM 360 सीरीज़, ये कंप्यूटर की सीरीज़ है जिसमें क्या क्या क्वालिटी थी, ये टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम भी कर सकता था. दीज वर स्मॉल इन साइज, ये छोटे थे साइज में, कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटर. कैसे थे? साइज में तो स्मॉल थे ही, साथ के साथ इनकी प्राइस भी कम थी, कॉस्ट भी कम थी कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन. सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में ये क्या थे, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कम पैसे के थे. सेकेंड जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन के बहुत महंगे थे, फिर सेकंड जनरेशन के और सस्ते थे, फिर थर्ड जनरेशन उससे भी सस्ते थे. स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड ऑफ दीज कंप्यूटर इंक्रीज, स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई थी और स्पीड भी बढ़ गई थी, मैनीफोल्ड मतलब बहुत गुना ज़्यादा. एज इट इंक्लूडेड यूजर फ्रेंडली पैकेज प्रोग्राम, क्योंकि इसके अंदर क्या थे, यूजर फ्रेंडली, यानी जो आपको जिस तरीके के प्रोग्राम चाहिए. वर्ड प्रोसेसिंग था, रिमोट टर्मिनल्स. हाँ, इसमें एक नई बात, रिमोट टर्मिनल्स कुड यूज सेंट्रल कंप्यूटर फैसिलिटी एंड गेट द रिजल्ट इंस्टेंटली. रिमोट टर्मिनल से क्या होता था कि रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी मिला करते थे. तो ये कंप्यूटर कॉस्ट इफेक्टिव भी थे और बहुत ज़्यादा फास्ट भी थे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन. फोर्थ जनरेशन कहाँ से शुरू हुई? 1971 से. और वो कब तक चल रही है? अभी तक चल रही है. फोर्थ जनरेशन वर इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस हुई? 1971. एंड दीज कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर फर्दर मिनिमाइज थ्रू लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक. अब इनको क्या किया, और भी छोटा कर दिया गया, इन कंप्यूटर्स को और भी छोटा कर दिया गया. किस टेक्निक से? एक टेक्निक होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक, उस टेक्निक से. और इसमें क्या यूज होने लगे, माइक्रो प्रोसेसर विच आर प्रोग्रामेबल ICs फेब्रिकेटेड यूजिंग LSI टेक्निक आर यूज इन दीज कंप्यूटर. इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे, ठीक है, किस टेक्निक से? LSI की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. माइक्रो कंप्यूटर वर डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग माइक्रो कंप्यूटर्स, किस किस चीज को मिलाकर बने, माइक्रो प्रोसेसर को विद अदर LSI चिप्स इसमें यूज हुई. माइक्रो प्रोसेसर के साथ LSI टेक्निक के साथ हमने यूज किया इसे विद कॉम्पैक्ट साइज, यानी साइज बड़ा, इंक्रीज स्पीड इंक्रीज हो गई थी, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी बहुत गुना, मैनीफोल्ड मतलब बहुत गुना. नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो वेरी हाई एज कम्पेयर टू अर्लियर कंप्यूटर. इनकी जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी बजाय पिछले कंप्यूटर्स के. देखिए, ये कुछ कंप्यूटर्स हैं फोर्थ जनरेशन के, ये आपके घर पे होता है, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर. ड्यूरिंग 1980s सम कंप्यूटर्स कॉल्ड एज सुपर कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर कहते थे, जो इंट्रोड्यूस हुए थे. कब? जो इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में. दीज कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशन विथ एक्सेप्शनली हाई, अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड. ये जो सुपर कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड कितनी थी? 100 मिलियन पर सेकेंड, पर सेकेंड में अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन की स्पीड से काम करते थे. दीज स्पीड इज अटेन्ड बाय एम्प्लॉइंग नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कॉन्सिक्वेंटली. कैसे स्पीड इतनी हुई उनकी? काफ़ी सारे माइक्रो प्रोसेसर्स को एक साथ यूज कर. देयर कॉस्ट, लेकिन इनकी कॉस्ट थी जो क्या थी, बहुत ज़्यादा हाई थी. दीज आर नॉर्मली यूज इन वेरी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये आप नॉर्मली नहीं यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जगहों पर ही काम आता था. ठीक है, फिलहाल हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं. अगर आपका कोई क्वेश्चन इसमें से बनता है ये कर सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन ई, कंपेयर द कंप्यूटर्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स को आपको कंपेयर करना है. ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे.
ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में शायद आपका ये अलग के चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय.